राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। फिट करी कहें या एलम सॉल्ट, एक ओर जहां इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में कई रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर फिट करी का प्रयोग हम घरेलू औषधि के रूप में भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फिट करी के चमत्कारी फायदों के बारे में, जो आपके बिगड़े हुए काम बनाकर आपकी किस्मत पलट सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार फिटकरी के अंदर दर्द और जहर खींच लेने की क्षमता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग कभी सिकाई के पानी में एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह, तो कभी जले कटे में एंटीसेप्टिक की तरह से किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इसकी इन्हीं खास खूबियों के कारण इसे बहुत महत्व दिया गया है। अपने घर को नज़रदोष या बुरी नज़र से बचाने के लिए आप अपने स्नान घर यानी बाथरूम में एक कटोरी में एक फिटकरी को रख दें और हर महीने इस कटोरी में से फिटकरी को बदलते रहें। ऐसा करने से घर पर किसी की बुरी नज़र व नज़रदोष नहीं लगता। फिटकरी के बारे में ज्ञानियों का मानना है कि इसे जिस जगह स्पर्श कर दिया जाता है वहां आसानी से आग नहीं लगती। जी हाँ, वैज्ञानिक भी इसे फ्लेम रिटार्डेंट के नाम से जानते हैं, यानी एक ऐसा पदार्थ जो आग और चिंगारियों को भड़कने से रोकता है। कारोबार में कहीं बरकत नहीं हो रही हो तो आप अपने व्यवसाय स्थल या दुकान पर फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर मुख्य गेट पर टांग दें। यदि घर में किसी को बुरी नज़र लग गई हो तो आप उसके ऊपर से फिटकरी को सिर से पांव तक कम से कम 5 बार या 7 बार उतारें और जलती हुई आग में इस फिटकरी को डाल दें। बुरे सपनों को दूर करने के लिए, आपको अगर अक्सर बुरे सपने आते हैं तो आप अपने बिस्तर के सिरहाने के नीचे फिटकरी को किसी काले कपड़े में बांध कर रख दें। इस उपाय से आपको बुरे सपने नहीं आएंगे और बेवजह का डर भी नहीं सताएगा। यदि आपके परिवार में अक्सर क्लेश या झगड़े होते हैं तो आप घर के बड़े व्यक्ति यानी कि घर के मुखिया के बिस्तर के नीचे एक मिट्टी के बर्तन में फिटकरी और पानी का घोल बनाकर रख दें और सुबह के समय इस बर्तन को पीपल के पेड़ पर जाकर के इस पानी को चढ़ा दें। अगर रात को सोते समय आपका बच्चा अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हो तो ये भय माता का डर होता है। इसके उपाय के लिए एक फिटकरी का टुकड़ा लें और उतना ही बड़ा एक कपूर का टुकड़ा लें और बच्चे की माँ अपनी किसी पुरानी साड़ी के टुकड़े या रूमाल में बांधकर इसे बच्चे के सिरहाने दबा दे और हर रात बच्चे को सुलाने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें तो ये समस्या भी अवश्य दूर होगी। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडितायन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।